बीजेपी अपना स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मना रही है। हम इस वक्त काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय में मौजूद हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरह से जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो प्रधानमंत्री का संबोधन सुन रहे हैं। चूंकि वाराणसी में बूथ स्तर पर पूरे कार्यक्रम को सुना जा रहा है, 1901 बूथ हैं जहाँ पर बीजेपी आज स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री का संबोधन सुन रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंचे हुए पूरे उत्साह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुन रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पूनम मौर्य जी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। पूनम जी, किस तरह से आप लोग स्थापना दिवस मना रही हैं? किस तरह आज क्षेत्रीय कार्यालय रोहनिया पे हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस आज 43वां स्थापना दिवस है और हम लोग सभी लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का संबोधन भी सुन रहे हैं और हम लोगों को सब लोगों को गर्व है कि हम लोग ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जो देश के लिए समर्पित है और गरीबों का हित सोचती है और ऐसी पार्टी जो सबको साथ लेकर चल रही है और सबके प्रयास से, सबके साथ से, सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। इसलिए किस तरह से उत्साह है, कुछ लोग और हैं उनसे बात करते हैं। संजय, सामाजिक न्याय के रूप में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है तो क्या क्या कार्यक्रम होंगे और कितने बूथों पर? ये हम लोग 1901 बूथों पे आज ये कार्यक्रम मना रहे हैं स्थापना दिवस का। मैं आप सभी मीडिया बंधु को स्थापना दिवस की बधाई देता हूँ और हमारे सभी कार्यकर्ता एक एक बूथों पर लगभग 15 से 16 की संख्या में माननीय प्रधानमंत्री पूज्य प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुन रहे हैं। और एक बड़ी योजना जो सामाजिक न्याय जो न्याय है उसके तहत एक हम लोग योजना बना रहे हैं, जैसे कि आज एक पहला 6 अप्रैल है उसकी स्थापना दिवस, फिर उसके बाद हम लोग 11 तारीख को ज्योतिबा भाई फुले जी की जयंती पे एक बड़ी संगोष्ठी जिले पे करेंगे, फिर उसके बाद 14 तारीख को बाबा साहब जो संविधान के रचयिता हैं उनकी जयंती मनाने के लिए हम लोग बूथ वाइज एक कार्यक्रम अभियान बूथ वाइज करेंगे, फिर उसके बाद मंडल वाइज करेंगे। एक बड़ा आयोजन हम लोग यहाँ पे जिले पे बाबा साहब की संगोष्ठी मनाने का काम करेंगे। लेवल पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है तो क्या है, नगर निकाय का चुनाव भी आने वाला है तो क्या चुनाव को लेकर तैयारी भी है? भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्यक्रम करती रहती है, भारतीय जनता पार्टी लगातार नीचे और आम लोगों के बीच में हमेशा रहती है, तो हम लोग की योजना बराबर रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग चुनाव जीतेंगे, नगर निगम का भी चुनाव जीतेंगे और जो आने वाली 2024 का लोकसभा चुनाव है उसको भी जीतने का हम लोग काम करेंगे। सामायिक न्याय सप्ताह के रूप में बीजेपी द्वारा जो स्थापना दिवस का कार्यक्रम है वो किया जा रहा है, लिहाजा बूथ लेवल पर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का संबोधन सुन रहे हैं और प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह होगा क्योंकि बूथ लेवल का कार्यक्रम है, लिहाजा नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियाँ भी है, तो प्रधानमंत्री का जो संबोधन होगा वो कार्यकर्ता सुनेंगे और जिस तरह से नगर निकाय का चुनाव है उसकी तैयारियों पर भी जोर डालने का प्रयास कार्यकर्ताओं द्वारा होगा। कैमरामैन विशेष साथ नवीन पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।